अगर वास्तविक भक्त है, अगर उसमें, अगर मोक्ष पाने की अगर उसमें जिज्ञासा प्रबल है, तो आपके भीतर उस कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है प्रबल जिज्ञासा के रूप में। अवतार दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, अभी हम करें बाकी अवतार को नहीं करें। एक तो होता है महाअवतार, कि भगवान आते हैं किसी समाज में, किसी देश में। यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हो, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का की वृद्धि होती है, तो अधर्म का नाश करने के लिए वो समाज में एक बैलेंस लाने के लिए बाहरी रूप से अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार हैं, राम अवतार हैं और अवतार हैं। दूसरी ओर भक्त के हृदय में जिज्ञासा के रूप में भी अवतार लेते हैं, इसे कहते हैं आंतरिक अवतार। और वो जिज्ञासा जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आत्मज्ञान के रूप में परिवर्तित होती है, बदल जाती है आत्मज्ञान में, तो वो फिर आंशिक अवतार कहलाता है। तो भक्त के हृदय में भी इसी प्रकार से, उसी कारागार के भीतर जब जिज्ञासा जगती है, तो अब वो सुरक्षित कैसे रहती है वो जिज्ञासा, और क्या क्या बाधाएं आती हैं, इनको जो भक्त को सुनने का बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। इसके माध्यम से उसे अनुभव में आएगा कि ये मेरे साथ घट रहा है, ये मेरे जीवन में नित्य प्रति अब घट रहा है। तो जब कंस को ये ज्ञात हो गया था कि उसको मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल में है, अष्टभुजाधारी माँ ने बता दिया था, तो कंस ने प्रयत्न किया कि गोकुल में जितने भी बालक हैं, इन्फेंट बालक अर्थात जो अभी उसी आयु के हैं, तो सबको मार दिया जाए, नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन सा बालक देवकी का आठवां पुत्र है। संदेश तो आ गया है ना। दूसरी ओर हम कहें कि अज्ञान को, जिस अज्ञान ने जीवात्मा को अनेक अनेक जन्मों में, जन्म और मृत्यु के चक्र में धकेल रखा है, अनेक योनियों में धकेल रखा है, अब उस अज्ञान, एक वो जो अज्ञान है, एक प्रकार से भयभीत हो गया है कि मेरा अब प्रकाश के रूप में जो कृष्ण है, वो मेरे उस मुझे अज्ञान रूपी या अंधकार रूपी कंस का वध कर देंगे, यानी कि एक शुभ संदेश भक्त के लिए। तो उसने अपनी एक, उसकी कोई वो संबंधिनी थी जिसका नाम था पूतना, और पूतना उससे कहा कि तुम गोकुल में जाओ, अभी जितने बालक दूध पीने वाले हैं उस आयुस्तक हैं कृष्ण के बराबर, उन सबको तुम मार के आ जाओ। पुतना तैयार हो गई, और पुतना बहुत एक सुंदर सा रूप लावणी बनाकर करके, जैसे कोई साक्षात देवी लक्ष्मी आई हुई हो, आभूषण है, रूप है, श्रृंगार है, वस्त्र है, मनोहर रूप इत्यादि है, उसको बना करके वो गोकुल में उतरी। गोकुलवासी जो है उसे देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब इधर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, नंद बाबा को और जसोदा को पता चला कि हमारा तो पुत्र का जन्म हुआ है, उन्हें पता ही नहीं था कि कन्या का जन्म हुआ है। उधर रोहिणी का पुत्र है बलराम, बलराम के शेषनाग के रूप में जो बलराम है, नामकरण उनका नहीं हुआ था, तो सभी वो जो दो बालक है सभी गोकुलवासियों के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, आनंद से आनंद भी बोले सब, क्योंकि अवतार है। तो गोकुलवासियों ने कहा कि बालक का जन्म हुआ है, सुंदर सी युवती आई है, कहीं स्वर्ग से आई होगी या कोई स्वयं देवी लक्ष्मी होंगी आशीर्वाद देने के लिए। तो उन दिनों या क्या, अभी भी बहुत सारे गांव में अभी ये नियम है कि जिस घर में किसी बालक का जन्म हुआ है, तो कुछ दिन के बाद में उस बालक के घर में जो उस गांव की महिलाएं होती थीं वहां जाती थीं, और जाने के बाद में उस बालक को गोदी में रखती थीं, लाड़ प्यार है, दुलार है, वो सब करती थीं कि ये बालक भी अपने समान है, अपने बालक के समान है, एक मैत्री भाव से। और जो माताएं अभी स्तनपान कराने वाली होती हैं, जिनका बच्चा अभी छोटा है, अपने बालक को दूध पिलाती हैं, वो वहां जा करके उस बालक को गोदी में रख करके एकांत में रह करके उसको उसको भी वो दूध पिला के आती थी, अर्थात स्तनपान करा के आती थी। अब ये जब पुतना जब वहां आई, रूप लावण्य बनाया, तो सब प्रसन्न हो गए। तो जिस घर में जाती थी तो बालक को पकड़ती थी, किसने मना तो किया नहीं, साक्षात देवी लग रही थी।
पूतना अंदर जाती थी और बालक को वो स्तनपान कराती थी, और स्तनपान के साथ साथ में वो विश्वमन कर देती थी, यानी कि जो उसका जो स्तनपान जो था उसमें से वो विष को प्रवेश करा देती थी बालक के मुख में, और वो विष इतना घातक था कि बालक उसके तुरंत प्राण पर फिर उड़ जाते थे। प्राणघाती नहीं थी ना, मतलब प्राणों को जो है वो खींच लेती थी। अब वही जब पूतना, जब सभी गांव वाले, गांव में जितने बालक थे सभी का वध कर दिया गया, उनको पता नहीं चला, जब तक वो दूसरे घर पहुंच जाए तब जाके उनको पता लगे, तो किसी को भान नहीं हुआ कि किसने किया। अब वो कृष्ण भगवान के घर में जब गई, जसोदा मैया के पास में गई, तो जसोदा मैया ने भी बड़े उससे आदर भाव से उसके गोदी में बालक को रख दिया, कृष्ण को रख दिया, अंदर ले गई, और अंदर लेकर के जैसी वो कृष्ण भगवान को स्तनपान करा रही थी तो भगवान समझ गए कि ये कौन है, ये पूतना है और ये प्राणघाती नहीं है, अर्थात ये हत्या करने वाली है। ये जो पूतना थी ना, ये कथा में कुछ रोचकता लाने के लिए भी, भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो राजा बलि के यज्ञ भवन में जब वो पहुंचे तो बड़ा सुंदर सा रूप था उनका, बालक का रूप था, एक 8-9 बरस के बालक थे। तो राजा बलि की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने दूर से ही कृष्ण वामन अवतार को देखा और एक प्रकार से वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा कि ये कि बालक को ऐसा अनुभव हुआ कि इस बालक को मैं गोदी में रख करके मैं इसको स्तनपान कराऊं। ये मनोभाव को वामन अवतार ने जान लिया। जानने के बाद में उन्होंने उसको अपने सांकेतिक रूप से कह दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा, और वही जो रत्नमाला है वो आज पूतना बन के आई हुई है, उद्धार हो रहा है यानी कि। तो जैसे कृष्ण भगवान ने उसका स्तनपान का आरंभ किया तो भगवान ने क्या किया कि उसके प्राण भी चूसने आरंभ कर दिए। अब पूतना को तो ऐसा भान तो था ही नहीं कि भाई ये भी सामान्य बालक है, तो उसने कहा ये भी तो कुछ समय बाद में ये भी चल बसेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा, उसे कुछ दर्द सा होने लग गया, वो दर्द उसको असहनीय हो गया पूतना को, और भगवान है कि वो छुड़ाती है कन्हैया को तो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उसको इतना भयंकर दर्द हो गया कि वो बाहर आ गई बच्चे को लेकर के, और बाहर आते ही उसने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, विकराल देह है उसका, भयानक कुरूप चेहरा उसका है, जब वो भगवान ने नहीं छोड़ा तो वो उसके बाद में उसके जब प्राण पखेरु उड़ गए, सब प्राण उसके जब खींच लिए भगवान ने, तो वो धड़ाम से जो गिरी तो कथा कहती है कि गोकुल से लेकर के हाथरस तक जितने वृक्ष थे मार्ग में सब धराशायी हो गए, उसके शरीर के नीचे आ गए, 14 किलोमीटर या मील के आसपास में। गोकुलवासी बड़े हतप्रत रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ है, कौन आई हमारे यहाँ पर, ये गोकुल में इस बालक के जन्म लेते ही बड़ा, ये तो बड़ा दुख आ गया है एकदम से। माँ जसोदा है, नंद बाबा है, वो भी दुखी हैं कि बालक को क्या हो गया है, बालक दब गया होगा, लेकिन कृष्ण तो उसकी छाती में बैठ करके उसका स्तनपान कर रहे हैं, अभी भी माँ ने छुड़ाया बालक को, अंदर ले गई, काला टीका लगाया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आपने हमारे बच्चे को बचा लिया है, हे हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता, जबकि इष्ट देवता गोदी में बैठे हैं अवतार के रूप में, तो उन्हें बड़ी तसल्ली होगी कि हमारा बालक बच गया है। फिर गोकुलवासियों ने उस पूतना को कहा कि क्या करें इसका, सबने एक योजना बनाई कि इसको कुल्हाड़ी से काट दिया जाए, अलग अलग टुकड़े कर दिए जाए, और फिर इसमें आग लगा दी जाए तो थोड़ा जब सूख जाएगी। तो उन्होंने वही किया, और जब जैसे उन्होंने अंत में उस पर आग लगाई काटने के बाद में, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित को, कि राजन उस पूतना के शरीर से जब वो जल रहा था तो चंदन की सुगंध आने लग गई,
अर्थात पूतना का उद्धार हो गया। अब इसको साधक को अनुभव में लाना है कि जैसी आपके भीतर एक जिज्ञासा जगती है, अब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अनुभव होने लग जाता है कि पूतना मेरे पर आक्रमण कर रही है, स्तनपान करा रही है मुझे। पूतना है विषय वासनाओं का प्रतीक, सबल डिजायर, सूक्ष्म कामनाओं को वासना कहते हैं। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासनाएं जो कि ईश्वर की ओर बहती हैं ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में, और दूसरी संसार की ओर। यहां से लेकर के स्वर्ग तक जो इंद्रिय सुख हैं, उन इंद्रिय सुखों के पीछे जो वासनाएं भक्ति हैं उसे कहते हैं पूतना। और ये पूतना कहां से उत्पन्न हुई है, किसकी संबंध नहीं है, अज्ञान से उत्पन्न हुई है। अज्ञान कौन है, कंस है, आपके भीतर जो तामसी राजसी अहंकार है या अज्ञान है, उसके माध्यम से सब ये वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात कि जीवात्मा अनेक जन्मों में अपने आप को जन्मने मनने वाला शरीर मान में मान कर करके वो सकाम कर्मों के माध्यम से जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश के माध्यम से जो कर्म करता है, राग काम के, क्रोध के, द्वेष के, हिंसा के, पाखंड के, चिंता के, शोक के इत्यादि के, उनके जो उन कर्मों के संस्कार बनते हैं वो अचेतन मन में स्थित रहते हैं। और जो आपने शुभ कर्म किए हैं उस वो भी संस्कार आपके भीतर हैं, वो शुभ संस्कार हैं, वो अशुभ हैं। जो अशुभ संस्कार हैं वो फिर वहां से निकल बार बार निकलते हैं और अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो फिर वासना का रूप ले लेती हैं, विषय वासना को रूप ले लेती हैं। अब हम शुभ को एक किनारे कर रहे हैं, अशुभ वासनाएं जो हैं इन्हें कहते हैं विषय वासना। यानी कि यहां से लेकर करके स्वर्ग तक के भोगों की पांच इंद्रियों के माध्यम से जो सुख चाहता है व्यक्ति, वो विषय वासना का प्रतीक है, वो पूतना का प्रतीक है। ये विषय वासना विष के समान होती है। किसके लिए? अब साधक को ज्ञात होने लग जाता है कि जिन विषय वासनाओं के पीछे में आज तक पढ़ा था या पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पढ़ना है उसके पीछे, इन्हीं के कारण में मुझे ये अनेक अनेक जन्मों में जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था व्याधि और रोग इन 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 दुखों का सहन करना पड़ रहा है। इसके माध्यम से अर्थात पूतना इनके माध्यम से मेरे प्राण चूस रही है हर जन्म में। जैसे और बच्चों को मार दिया था ना, और बच्चों को मारने का प्रतीक है कि वो ऐसे जो जीव हैं कि जो जिनके भीतर अभी जिज्ञासा या कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, जिसके भीतर कृष्ण का जन्म हुआ है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो उसके बाद में जो वासनाएं हैं या जो सबल डिजायर हैं, सूक्ष्म कामनाएं हैं, ये बाद में चेतन मन में आकर के वृत्ति का रूप ले लेती हैं, और वृत्तियां फिर बाद में काम का रूप ले लेती हैं, कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, मन व्यथित हो जाता है उससे पाने के लिए, उन सुखों को, संसारिक सुखों को पाने के लिए, इंद्रिय सुखों को पाने के लिए। और जब वो व्यथित हो जाता है तो उसमें डूब जाता है, तो वो फिर कर्म में उलझ जाता है। कर्म में उलझेगा फिर जाकर के उससे फिर संस्कार बनेंगे, वो बनेंगे तो क्रम चलते रहेगा, तो निरंतर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते जाता है। ये तो अविद्या का प्रतीक है कि सामान्य लोगों को पूतना रूपवान लगती है, लावण्यमय लगती है, सुंदर लगती है। सामान्य लोगों को इंद्रिय भोगों में लिप्त रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब कृष्ण का जन्म हो जाता है आपके भीतर में, जिज्ञासा जगती है, तो फिर आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि इनके पीछे, इस पूतना के पीछे वो पूतना है जो जो कंस की संबंधिनी है या सुपनखा है जो रावण की बहन है, ये राग द्वेष के माध्यम से मुझे नोच डालेगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से अब आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि इन विषय वासनाओं के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है, तो आपके भीतर की जो 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 पूतना, जो विषय वासनाएं हैं वो क्षीण होने लग जाती हैं। वो वासनाएं आपकी जो अशुभ वासनाएं हैं वो शुभ वासनाओं में परिवर्तित होने लग जाती हैं। ये तात्पर्य है कि पूतना का जो शरीर था, पहले तो मैं उसको ले आऊं कि भक्त अब उसे देखता है कि संसार में जो भी इंद्रिय सुख हैं यहां से लेकर के स्वर्ग तक, वो सब जो है पूतना का बदला हुआ रूप है, और इसके पीछे एक विशाल भयंकर भयानक पूतना है, विषय वासनाएं हैं। तो इनको उस जिसके भीतर ये जिज्ञासा जगी है
उसको भी ये विषय वासना है, उसका भी गला घोंटना चाहती है, उसके भी प्राण को चूसना चाहती है, लेकिन यह स्वयं जो जिज्ञासा है उसी को समाप्त कर देती है, कर देती है। उसके बाद में जैसे पूतना को फिर काटा गया, जलाया गया, तो उसमें सुगंध आने लगी। तात्पर्य है कि उसके बाद में जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी ना, तो फिर उसके बाद में आप संसार की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी नाम में, कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी दृश्य को आप देखो, किसी भी परिस्थिति को आप देखो, उसके पीछे आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि इसके पीछे कोई दिव्य हाथ है, अर्थात नाम रूप के पीछे ईश्वरी है, केवल ब्रह्म की सत्ता है। ये स्थिति आपकी धीरे धीरे आने लग जाती है, आने लग जाती है। तो फिर आपको उस पूतना को काटने पर, जलाने पर, वो जो विषय वासनाएं हैं वो ईश्वर वासना बन जाती हैं, कहें तो शुभ वासनाएं बन जाती हैं। शुभ वासनाओं का तात्पर्य क्या है? सुगंध आती है उसमें से, पुष्प से सुगंध आती है। तो आपके आपका जो हृदय है धीरे धीरे निर्मल होने लग जाता है, और पूतना का जो आक्रमण है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यानी कि ओवरनाइट डेवलपमेंट एक दिन में होगा नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। इस प्रकार से जो पहली बाधा है जो कंस ने भेजी थी, वो भी बाधा दिव्य कृपा के माध्यम से और एक अलौकिक विधि से वो निकल गई है।